चलाने में है ना वो मज़ा। मैं जिम वालों को बंदों को देखता था, जिम वाले बंदों को, तो मतलब जब मैं उनको देखता था प्रोटीन पी रहे हैं, प्रोटीन शेक पी रहे हैं, तो ऐसा लगता था कि पता नहीं कितनी बढ़िया चीज़, कितनी बड़ी चीज़ पी रहे हैं। पर उस समय मेरे को लगता था कि यार ऐसी एक बोतल मेरे पास भी होनी चाहिए, तो आज है। और जो मज़ा आता है ना इसको शेक करने में, भाई साहब मजा आ गया। चलो फिलहाल मैं गौतम के घर जा रहा हूँ, और आज संडे है और आज 24 अक्टूबर है, करवा चौथ का दिन। और मुकुंद जी के घर पे कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो इस चक्कर में वो नहीं आ पाएगा, तो फिलहाल हम दोनों को ही वहाँ पे, मतलब हम दोनों ही हैं आज। मैं निकलता हूँ बस घर से, अब बैग जो ये बैग मैं हमेशा लेकर जाता हूँ अपने साथ, क्योंकि तो बैग हर जगह काम आ सकता है, और छोटे मोटे सामान के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बैग ज़रूरी पड़ ही जाता है, कुछ भी सामान डालने के लिए बैग के अंदर। और बाकी कुछ तो नहीं है वैसे, फिर निकलते हैं। गौतम ने एक चीज़ और मंगाई थी, अभी अंधेरा आ गया, रुक जाओ मैं बाद में। भाई तू व्लॉग में है, गाली वाली बन गई। नहीं अच्छा, नहीं अब तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो सीन काट दूंगा। और क्या, जब कैमरा हाथ में है तो हर चीज रिकॉर्ड करो ना। मैं निकल गया हूँ, बाइक लेके निकल रहा था बस। अब निकल रहा है? हाँ। तो भाई 12 बजे आ रहा था वैसे, ये भी अरे मैं बस एडिट करने में रह गया ना यार, एडिट कर रहा था ना वीडियो। एडिट तो हो गई, वो डल भी गई। हाँ तो अभी थोड़ी देर नहा धो के आ रहा हूँ यार, ऐसे बिना नहाए थोड़ी आ जाऊंगा मैं। मतलब निकल रहा, कितने देर में निकलेगा? निकल चुका हूँ पार्किंग में, आवाज नहीं गूंज रही। अच्छा, गूंज रही है ना आवाज। सब कुछ ले लेगा ही आएगा ना? क्या पैक करा के आएगा ना सब कुछ? हाँ पैक करा के आऊंगा, सब कुछ लेकर आऊंगा। हाँ चल मिल के बात कर, आधा घंटा, हाँ आधे घंटे से कम में ही आ जाऊंगा वैसे तो। ओके भाई, ठीक है। तो गौतम ने कुछ सामान मंगाया, वो लेकर जाना पड़ेगा। तो मैं कुछ कहने वाला था यार, मैं भूल गया यार। फिलहाल निकल चुका हूँ गौतम के घर के लिए, उसके रास्ते में छोटा मोटा सामान लेना है बस रास्ते में से गौतम के लिए। तो उसको भूख लग रही थी, तो मैंने उनने कहा कि यार लेता हुआ आ जाइयो, और ये बड़े जुगाड़ से मैं वीडियो बना रहा हूँ। हेलो, हाँ जी, कहाँ से था सर, कौन सा कोरियर है सर? हाँ
हाँ जी हाँ जी है। सर ये पीछे राहुल प्रॉपर्टी है ना सर, वहाँ आ जाइए आप राहुल प्रॉपर्टी के पास और परशुराम चौक नज़र आ जाएगा आपको। हाँ जी बोर्ड लगा हुआ है गली के बाहर, परशुराम चौक उसी गली में आ जाओ, मैं बाहर ही खड़ा हूँ जी। तो अभी फ़िलहाल वापस घर जाना पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि मेरा पार्सल आ गया जो मैंने मंगाया था। मे भी हो सकता है कि बैटरी हो ऑस्मो की, तो देख के चलते हैं एक बार देखने, वापस जा रहा हूँ मैं। क्या पार्सल है सर? तो बैटरी होगी मेरे को लग रहा है, ये पेड है वैसे तो, है ना, तो मेरे को लग रहा है मेरी बैटरी है ये। तो अब गौतम के घर पे जाके मैं खोलता हूँ कि क्या है ये पैकेट के अंदर। वैसे तो बैटरी होगी और कोई तो खुश होगा नहीं। खाना ले चुके थे हम पहले ही। हाँ जी सर, आपका पार्सल आया था। नहीं जी, हमने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। नहीं सर, हमारी तरफ से फ्री ऑर्डर है। फ्री तो हम कुछ लेते नहीं जी, आजकल सब बंद है। लेकिन सर आपने, आप इतनी बड़ी शख्सियत है, आपने तो आगे जाम लगवा दिया अपने रोड पे। जी जाम इसीलिए, अरे चल ऊपर कुछ आ गया, कोई आ गया भाई साहब, पूरा रोड गाड़ियां गाड़ियां लगी हुई है। अच्छा? और क्या, 20 गाड़ियां ऐसी खड़ी हुई है रोड पे। जाना है ना, ये घंटे में जाना है ना, तो इसलिए। कहाँ जाना है? मैं जा रहा हूँ ना घंटे में। कहाँ जा रहे हो? इसलिए वो जाऊंगा। अच्छा सारी गाड़ियां आएंगी। अरे कोई बहुत बड़ा बंदा है यार। नहीं नहीं वो बड़ा बंदा मैं हूँ। अच्छा आइए चलिए जल्दी ऊपर आइए। और सुनिए कटर या चक्कू लेकर आइए, अनबॉक्सिंग करनी है एक। एक अनबॉक्सिंग करनी है, एक अनबॉक्सिंग। चलो ऊपर पहुंच के बात करते हैं। अरे यहाँ आलू भुजिया खाई जा रही थी। अरे भाई साहब ये सब आ जा रहा है। तब तो हम प्रसाद खाते हैं, बहुत टेस्टी बना हुआ है। अभी ये तो बताओ आया कौन हुआ हुआ है? अभी भाई साहब पूरी रोड जाम कर रखी है, बंदा वीडियो बना रहा है, नेता वेता है शायद कोई। ये सब खरीद के लाए? मिला है खरीदा है। 500 की 300 की चीज़ 500 में खरीदी है ऑनलाइन। अगर 300-400 का मिलता तो डायरेक्ट फैक्ट्री से मिलता। ये अच्छा होगा भाई, अब जान नहीं है मेरे को खाने की, बहुत तला तला ज़्यादा हो रहा है। तला है? नमक पारा ना। अच्छा मुकुंद क्यों नहीं आया, कुछ टिप्पणी दी जाए जरा मुकुंद के लिए। मुकुंद जी के नाना जी आ रखे हैं घर पर, एक तो मुकुंद जी अपने नाना जी से मिलने के लिए। वैसे दोस्तों एक बार मैं बता दूं, मुकुंद की गर्लफ्रेंड है और वो जल्द शादी करने वाला है, तो उसी से मिलने गया हुआ है। आज संडे है भाई, संडे करवा चौथ है, संडे का करवा चौथ है, उनसे मिलने नहीं आया। हाँ ठीक है, होता है। और ये वीडियो हम मुकुंद तक जरूर पहुंचाना आप लोग, कि मुकुंद को पता चले उसके पीछे कैसी कैसी बातें होती है उसके लिए। तो सच है भाई, गर्लफ्रेंड है अगले की, तो क्या कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप वीडियो देख रही हो तो आपका लड़का हाथ से निकल चुका है, उसकी गर्लफ्रेंड है। तो इस मैंने आपको बताया था ना बैटरी ले ली है मैंने, तो उसकी अनबॉक्सिंग कैमरे के आगे कर देते हैं। तो ये देखिए एड्रेस नजर आ रहा है। ठीक है तो हमारा आ गया स्पेशल चक्कू। खोलो तो ये डब्बा खुलने जा रहा है, जादू का खजाना, जादुई खजाना। ये नवंबर में आने वाला था, ये नवंबर में आने वाला था, लेकिन बहुत जल्दी आ गया अक्टूबर की एंड में ही। ये क्या है? ऐसे ध्यान से। खींच रहा खींच
अच्छा इसको यहाँ से ठीक है, डब्बे में और कुछ नहीं है। वैसे देखा जाए तो कंपनी कुछ और बताई है मेरे को और आके आया कुछ और है वैसे, लेकिन अब हम इसको देखते हैं क्या है। ये कैसे बैटरी है? बैटरी चार्जिंग बॉक्स इनपुट, और इसके अंदर देख रहे थे कि बैटरी है कि क्या है। वायर जो मिली है हमें, तो ये तीन बैटरी आई है इसके अंदर। ये मैंने ऑस्मो के लिए मंगाई थी, तो ऑस्मो की ही आई है बैटरी, इसमें लिखा हुई हुआ है। इन वायर जो है बहुत लो, अब ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, अब इसको एक महीना इन बैटरीज के साथ चार्ज करके एक बार देखूँगा मैं कि कितना बैकअप देती है ये बैटरी, और सही भी यूज़ हो रहा है, मतलब बैटरी सही चल रही है नहीं चल रही है ये देखना पड़ेगा। एक महीने के यूज़ के बाद मैं आपको इसका बता पाऊंगा कि ये कैसी है। ठीक भाई, तो इस वक्त मयंक का आ चुका है फ़ोन, तो मयंक तो बिज़ी चल रहा है, तो मैंने कहा भाई थोड़ी देर मैं ही बना लेता हूँ तेरा, कैमरे पे रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। तो आज आपको पता ही होगा, आज है करवा चौथ, तो करवा चौथ की सबको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ। अगर आज ही अपलोड हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो करवा चौथ तो चला जाएगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि करवा चौथ पे ही शूटिंग हुई है हमारी। चलते हैं मयंक के पास वापस, देखते हैं मयंक जी का फ़ोन कटा कि नहीं कटा। तो यहाँ पे बारिश आ चुकी है, हमारा कोई और प्लान था कि बाहर जाके कुछ लाइट भी चली गई घूमने जाएंगे, लाइट भी चली गई, और मैच जो गौतम को पसंद है इंडिया पाकिस्तान का मैच है वो देखना चाह रहा था बेचारे, अब बेचारे को नहीं देख पाएगा वो लाइट चली गई। अभी एक घंटा बाकी, इन्वर्टर भी नहीं है बेचारे, आई होप कि एक घंटे में लाइट आ जाए, तो इन्वर्टर भी नहीं है वरना इन्वर्टर से देख सकता था बेचारा, बहुत गरीब है। और चार का मैंने सब्सक्रिप्शन भी नहीं ले पाया, तो वो भी एक दिक्कत है, मतलब क्योंकि गरीब है, गरीब है इसलिए। मैं गरीब हूँ, पैसे नहीं है वाला सीन है। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं बारिश तक रुकी हो तो फिर हम कुछ अलग प्लान बनाए, कुछ अलग जगह जाए, देखते हैं फिर अपडेट करते रहेंगे आपको। या तो मैं अपने घर पे आ चुका हूँ, और ये बैटरी आपको मैंने खोल के दिखाई दी थी कि ये बैटरी मैं यूज़ करूँगा, उसके बाद आपको रिव्यू दिखा पाऊँगा। और अभी एक आध दिन में मेरे को इसको इन्हीं बैटरीज को यूज़ करना पड़ेगा देखने के लिए कि कितनी देर चल रही है, कितना बैकअप दे रही हैं। और बस फिलहाल बारिश आ रही